माय डियर फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अनकंडीशनल लव आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप अंदर से, आपके अंदर लव पाने की डिजायर खत्म नहीं हो जाती, जब तक आपके अंदर बहुत ज्यादा अपनी लाइफ को लेकर के कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता, जब तक आप सेल्फ लव करना सीख नहीं जाते, तब तक आप अनकंडीशनल लव भी नहीं कर सकते हैं। जब तक ये सारी चीजें आपके अंदर नहीं है, आप ट्राई करोगे अनकंडीशनल लव करने की, लेकिन बार बार आप फेल हो जाएंगे। जिन डिवाइन फेमिनिन्स को ऐसा लगता है कि उनके डीएम एनर्जी बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक माइंडसेट के हैं या मटेरियलिस्टिक चीजों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं, तो कहीं ना कहीं ये डिवाइन फेमिनिन भी बहुत ज्यादा अपने डीएम के ऊपर डिपेंडेंट हैं अपनी मटेरियलिस्टिक जरूरतों को पूरा करने के लिए। और ये मटेरियलिस्टिक जरूरतें कुछ भी हो सकती हैं। आप किसी चीज में वीक हो और आपका डीएम उसमें बहुत ज्यादा अच्छा है, आप कम सुंदर हो आपका डीएम ज्यादा सुंदर है, या आप मटेरियलिस्टिकली वीक हो आपका डीएम बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिकली अच्छा है, वेल सेटल्ड है, या आपके लाइफ में आप चेक करो कि क्या आपके लाइफ में लैक है। हो सकता है कि वो आपके डीएम के अंदर आपको पूरी होते हुए दिख रही है। और ये पूरे ट्विन फ्लेम जर्नी का आधार ही है ये लैक की एनर्जी, आपके अंदर का एक्सपेक्टेशन, डिजायर, और ये लैक की एनर्जी जो आप फील करते हो, इसी वजह से आपने अपने ट्विन फ्लेम को मैनिफेस्ट किया है, इसी वजह से आप अपने ट्विन फ्लेम से ट्रिगर होते हो। और इसी चीज को पाने के लिए, यानी अपने अंदर की कंप्लीटनेस को पाने के लिए ही ये पूरा का पूरा खेल रचा गया है ट्विन फ्लेम जर्नी का। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूं कि आपके अंदर डिजायर होना, आपके डीएम से एक्सपेक्टेशन होना, ये सब बुरा है। ये आपकी नेचुरल फीलिंग है जो कि होनी चाहिए, लेकिन ये सारी फीलिंग्स को हमें फिनिश करके, ये सारी फीलिंग को हमें समझ करके कंप्लीटनेस में आना है, एक कंप्लीट एनर्जी में आना है। तो जिन लोगों को लगता है कि उनके डीएम बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक हैं, तो आप जान लीजिए कि आप कहीं ना कहीं अपने अंदर से अपनी लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या फिर अपनी मटेरियलिस्टिक डिजायर्स को पूरा करने के लिए अपने डीएम की तरफ देख रहे हो, अपने डीएम से एक्सपेक्ट कर रहे हो, और इसी वजह से आपको ट्रिगर हो रहा है। आपको भी पता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसी कोई भी जर्नी नहीं है जहां पे कोई अदर पर्सन या आपका डीएम आएगा, आपका सपोर्ट सिस्टम बनेगा, या वो आपके लिए वो सब कुछ करेगा, जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम है वो आपके सॉल्व कर देगा, ऐसा तो वो कभी नहीं करेगा। और ऐसा ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन करने भी नहीं देते हैं, ट्रिगर कर करके उनको, आपके डीएम को आपसे दूर कर देते हैं, सेपरेशन क्रिएट हो जाता है। तो पूरा ट्विन फ्लेम जर्नी जो मैं आपको बता रही हूँ कि पूरे ट्विन फ्लेम जर्नी का सार ही है कि ये लैक की एनर्जी जो आपके अंदर आपको महसूस हो रही है, जो आपके लाइफ में इनकम्प्लीटनेस आपको महसूस हो रही है, या वो सारी चीजें जिसकी वजह से आप अपने डीएम के ऊपर डिपेंडेंट हो, वो सारी चीजें इल्यूजन है। ये बताया जाना, इस चीज को रियलाइज करना अपने लाइफ में, ये है आपके ट्विन फ्लेम का मकसद, डिवाइन का मकसद। आपके अंदर ये फील कराना कि आप कंप्लीट हो सकते हैं, आप अपने अंदर खुद ही कंप्लीट महसूस करके अपनी लाइफ को आप खुद ही कैपेबल हैं कंप्लीट बनाने में। एक कंप्लीट इंसान को ही एक कंप्लीट इंसान मिलता है, मतलब आप अगर कंप्लीट हो जाओगे तो आपको आपका डीएम एक कंप्लीट फॉर्म में मिलेगा। तो इसीलिए मैंने बताया है शुरू में अनकंडीशनल लव, क्योंकि जो चाबी है वो ओनली अनकंडीशनल लव है, और अनकंडीशनल लव में सिर्फ वही व्यक्ति आ सकता है जो कि सेल्फ लव करना जानता हो, जिसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस हो। मैं आपको वही बता रही थी कि आप अनकंडीशनल लव चाहे आपके डीएम से हो, चाहे किसी से भी हो, तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको अंदर से कंप्लीटनेस महसूस ना हो, जब तक आपको ये ना लगे कि आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक है, आपकी आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हैं, आप सब कुछ अकेले करने में कैपेबल हैं, आप अपनी मटेरियलिस्टिक जरूरतों को भी अकेले पूरा करने में कैपेबल हैं, आप अपने इमोशंस को भी अकेले संभालने में कैपेबल हैं, हर एक अप एंड डाउन जो आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में या आपकी लाइफ में आगे आने वाली है, उन चीजों को अकेले हैंडल करने में कैपेबल हैं, तब तक आप अनकंडीशनल लव
नहीं कर सकते। वो जो आप अनकंडीशनल लव कर रहे होंगे वो सिर्फ अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे होंगे कि ठीक है, कहा जाता है कि अनकंडीशनल लव करो, डीएम वापस आ जाएगा, यूनियन हो जाएगा, तो चलो हम अनकंडीशनल लव करते हैं। वो सिर्फ आपका ऊपर ऊपर का अनकंडीशनल लव होगा, सिर्फ दिखावे के लिए। और जैसे ही आपका डीएम आपको ट्रिगर करेगा, यानी आपको छोड़ के गया, थर्ड पार्टी में गया, आपको आपको किसी आपके फाइनेंशियल चीज पे ट्रिगर कर दिया, आपको उसकी जरूरत है, वो आपको अवेलेबल नहीं मिला, उस समय आप ट्रिगर हो जाते हो। तो अनकंडीशनल लव का मतलब तो डेफिनेटली देना होता है, लेकिन आपने अभी पूरे एक्सप्लेनेशन से ये जाना कि हम दे ही नहीं सकते हैं अगर हम लैक की एनर्जी में हैं, हम दे ही नहीं सकते हैं अगर हमारे पास खुद ही नहीं है, अगर हम फुलफिल्ड फील नहीं करते, और इसके पहले अगर हम खुद ही वीक हैं, खुद ही लैक की एनर्जी में हैं, तब जब हम देने की कोशिश करते हैं बहुत ज्यादा खुद को सेक्रीफाइस करके, तब हम एक नया इशू क्रिएट कर लेते हैं, एक नई सबकॉन्शियस प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं, और फिर हम और ज्यादा ड्रेन ड्रेन और ड्रेन होते जाते हैं, हमारी एनर्जी और ज्यादा लीक होती जाती है, और फिर हम अपने यूनियन को और ज्यादा डिले कर लेते हैं। तो तरीका मैं वही आपको बताना चाह रही थी कि अगर आप अंदर से लैक की एनर्जी में हैं, या किसी भी चीज के लिए अपने डीएम के ऊपर डिपेंडेंट हैं, फाइनेंशियली अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, आप अपने इमोशंस को हैंडल करने में, अपनी लाइफ के सिचुएशंस को हैंडल करने में अकेले कैपेबल नहीं है, या किसी भी चीज के लिए आप अपने डीएम की तरफ देख रहे हैं कि वो आए और आपकी मदद करें, तो वो चीज करना आप अभी से बंद कर दीजिए, क्योंकि रियलिटी यही है कि आपके डीएम तो आएंगे नहीं और आपका सपोर्ट करने आएंगे नहीं, और आप अपनी एनर्जी को बहुत ज्यादा ड्रेन और लीक करते जाएंगे अगर आप जबरदस्ती वो करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपसे हो भी नहीं रहा। तो आप अनकंडीशनल लव जबरदस्ती करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि वो सिर्फ दिखावा होगा, रियलिटी नहीं होगी, और एक टाइम के बाद आपके इमोशंस बिल्कुल चेंज हो जाएंगे, आपको लगेगा कि मैंने तो इतना सब कुछ किया और फिर कुछ भी मुझे वापस में नहीं मिला, मैं उल्टा ड्रेन हो गई, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, आपको ऐसा फील होने लगेगा और आप पूरी तरीके से ड्रेन हो जाएंगे। हो सकता है कि आप गलत रास्ते पे निकल लें, या हो सकता है कि आपके अंदर जो बची कुछ इंसानियत थी वो भी खत्म हो जाए, या हो सकता है कि आपके दिमाग में एक नया इशू क्रिएट हो जाए कि भाई लोग तो बहुत बुरे हैं, सब ऐसा ही है, तो मैं क्यों करूं, मैं भी ऐसा नहीं करूंगी, मैं भी अनकंडीशनल लव नहीं करूंगी, मैं भी लव नहीं करूंगी, मैं बदल जाती हूं। अनकंडीशनल लव को पहले समझिए कि अनकंडीशनल लव होता क्या है, और फिर वो चीज आप अपनी लाइफ में और अपने डीएम के ऊपर भी अप्लाई करें, क्योंकि डीएम भी बहुत ज्यादा ट्रिगर करते हैं, बहुत ज्यादा मिरर करते हैं, और बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन्स को मैं देखती हूँ कि बहुत ज्यादा परेशान होकर उनकी खुद की लाइफ में कोई ग्रोथ वो नहीं कर पा रही हैं, सिर्फ डीएम के ऊपर स्टक होकर के अपनी पूरी जर्नी बहुत ज्यादा डिले कर रही हैं। तो सिर्फ डीएम के ऊपर स्टक रह के आप अपनी जर्नी डिले करते हो, उससे एक्सपेक्टेशंस करके लैक की एनर्जी में और ज्यादा होते चले जाते हो, और आप अपनी लाइफ की सिचुएशंस हैंडल करने के खुद कैपेबल नहीं रह पाते हो, और आप फिर बाद में जब यूनियन नहीं हो पाता है तो आप कहते हो कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, मैंने तो सब कुछ किया था, कुछ भी नहीं छोड़ा था, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आपके साथ ऐसा हो सकता है कि इसलिए हुआ हो क्योंकि आप सेल्फ लव नहीं कर रहे थे, क्योंकि आप अपने अंदर की लैक की एनर्जी, अपने अंदर की इनकम्प्लीट एनर्जी को भरने के लिए कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि उस जगह पे जहां पे अंदर इनकम्प्लीट महसूस हो रहा है उस जगह को नहीं देख रहे थे, आप बाहर देख रहे थे, और वो आप बाहर से फिल करने की कोशिश कर रहे थे, आप मटेरियलिस्टिक चीजों को देख करके उन मटेरियलिस्टिक चीजों से आप उस जगह को भरने की कोशिश कर रहे थे, जबकि उस यानी कहीं बाहरी किसी भी चीज से वो जगह फुलफिल नहीं हो सकती, वो लैक की एनर्जी नहीं भर सकती। सिर्फ आपके अंदर जब आप कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे, कंप्लीट खुद महसूस करेंगे, जब सेल्फ लव करेंगे, छोटी छोटी सिचुएशंस को हैंडल करने के कैपेबल लायक अपने आप को बनाएंगे,
आप खुद अपने मटेरियलिस्टिक लाइफ का, अपने खुद रिलेशनशिप का, हर चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करेंगे और उन चीजों को निभाना, उसको इजिली हैंडल करना जब सीख जाएंगे, तब आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा, एक अलग लेवल का पॉजिटिव एनर्जी फील होगा। आपको ऐसा अंदर से महसूस होगा कि वाओ, अब तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अंदर से कंप्लीट हूं। और फिर वही स्टेट होता है, वही कंप्लीट फीलिंग वाली स्टेट कि हम तो कंप्लीट हैं, हर तरीके से, हर जगह से कंप्लीट हैं। और फिर उसी कंडीशन में भी आपका यूनियन होता है, क्योंकि ये स्टेट अचीव करना हर ट्विन फ्लेम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और इस स्टेट में आए बिना यूनियन नहीं होता है। तो अब मैं आपको बस यही बताना चाहती हूँ कि सेल्फ लव कैसे करेंगे, क्योंकि सेल्फ लव से ही सब कुछ होगा। तो सेल्फ लव करने के लिए सिंपल है, खुद पे ध्यान दीजिए। जहां जहां आप वीक महसूस कर रहे हैं, जहां जहां अंदर इनकम्प्लीटनेस महसूस हो रहा है, उसको भरिए। अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में आप अकेले हैं, आपको अकेलापन सताता है, तो सबसे पहले आप दोस्त बनाना सीखिए, लोगों से इंटरेक्शन करना सीखिए, लोगों से जुड़ना सीखिए। क्योंकि अगर आप लोगों से जुड़ना नहीं सीखेंगे, तो आप अपने ट्विन फ्लेम से भी नहीं जुड़ पाएंगे, और ट्विन फ्लेम को ऐसा फियर अंदर से आपसे बात करके आएगा कि आप उसकी फैमिली के साथ, और सोशल जब वो आपको लेकर के जाएंगे तो आप उनके साथ घुल मिल नहीं पाओगे, आप चीजों को हैंडल नहीं कर पाओगे, तो वो आपको अपनी लाइफ में शामिल नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये उनको फियर आने लगता है। हर एक चीज आपका डीएम आपको मिरर करता है। कुछ ऐसा काम कीजिए जिसमें आपका जेन्युइनली मन लगे, जिसमें आप बिजी रहें। आपके फाइनेंशियल ग्रोथ के ऊपर काम कीजिए, कोई ऐसा काम करिए कि जिसमें, जो काम करने में आपका मन भी लगे और आप फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट होएं। लव अपनी लाइफ में क्रिएट करना शुरू करें। लव अपनी लाइफ में क्रिएट करने के लिए बस हमेशा दूसरों को लव दीजिए, अपने आप को सैक्रिफाइस करके नहीं, बस एक जेंटलमैन की तरह बिहेव करिए, हमेशा अच्छा बोलिए, अच्छे बिहेवियर के साथ रहिए, साथ में सेल्फ लव कीजिए। और जो आपको लगता है कि आपकी वीकनेसेस हैं, उनको अपनी स्ट्रेंथ बनाइए। और अगर आप इमोशनली बहुत ज्यादा वीक हैं, तो जब तक आप अपने लाइफ में इमोशनल सपोर्ट क्रिएट नहीं करेंगे, तब तक आपको आपके डीएम की और लोगों की जरूरत पड़ती रहेगी। सच्चे दोस्त होने चाहिए आपके, तो अच्छे फ्रेंड्स या फिर आपकी फैमिली के साथ आपका एक जो इमोशनल कनेक्शन है वो अच्छा होना चाहिए। आपको ऐसा फील होना चाहिए कि आपकी लाइफ में कोई तो है कि जब आप गिरेंगे तो आपको वो संभाल लेगा। ये सारी चीजें करना ही, अपने लिए इमोशनल सपोर्ट क्रिएट करना, अपनी लाइफ में वो सारी जो लैक की एनर्जी है उसको कैसे फील कर सकते हैं, ऐसे क्या एक्शंस ले सकते हैं, वो सारा करके अपनी लाइफ को एकदम कंप्लीट बनाना ही आपका मेन इनर वर्क होता है। अगर ये सारी चीजें आप एक्शन लेवल पे जल्दी जल्दी कर लेते हैं, तो आप एक बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशनल स्टेट में बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। और सबसे अंत में बस यही बताना चाहूंगी कि अनकंडीशनल लव मैंने कहाँ से सीखा, जो रियल अनकंडीशनल लव होता है। वैसे मैं बहुत अनकंडीशनल लव करने की कोशिश कर रही थी, थोड़ा थोड़ा समझते हुए करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हाँ, कहीं कहीं मैं भी चूक जाती थी अनकंडीशनल लव करने में। लेकिन अभी लास्ट में मेरे को ऐसी सिचुएशन दी गई कि जब मेरी जर्नी को कहा जाता था, डिवाइन की तरफ से गाइडेंस मिली थी कि राधा कृष्ण की जर्नी है, तो मैं सोचती थी कि ठीक है, राधा कांश यानी राधा की एनर्जी तो मेरे अंदर इसीलिए थोड़ा सा प्यार वाली भावना ज्यादा है, या इमोशन वाली भावना ज्यादा है, या मैं इतना अनकंडीशनल लव करती हूँ। इस बात से मैं एग्री भी करती हूँ कि मेरे अंदर अनकंडीशनल लव थोड़ा सा ज्यादा है, इमोशनल मैं डेफिनेटली हूँ, लेकिन रियल अनकंडीशनल लव वो तो मैं भी नहीं जानती थी, मैं भी नहीं कर पाती थी। और सिचुएशन जब मुझे दी गई, मुझे बड़ा ही ऐसे था अपने ऊपर ईगो कि मैं बहुत अनकंडीशनल लव करती हूँ, मैं करती हूँ, मैं कर पाती हूँ। लेकिन जब मुझे एक सिचुएशन दी गई जो मुझे रियल में बहुत सारा पेन हुआ, तो उस वक्त मैं अनकंडीशनल लव नहीं कर पाई, और मुझे लगा भी कि यहाँ अब मुझसे नहीं होगा, ये तो ज्यादा हो गया, मुझसे नहीं हो सकता अभी यहाँ अनकंडीशनल लव। तो उस वक्त मुझे राधा रानी की बात याद आई है, एक राधा रानी से कनेक्शन बहुत ज्यादा महसूस हुआ, और वहां पे मैंने फील किया राधा रानी की जो जेन्युइन तपस्या है, या फिर राधा रानी थी कैसी, मैंने रियल राधा रानी की एनर्जी को महसूस किया, और एक रियलाइजेशन हुआ मुझे कि राधा रानी से तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो कृष्ण का प्रेम अवतार है। मतलब वो कृष्ण
मतलब दुनिया में जितना प्यार हो सकता है, जितना अनकंडीशनल लव हो सकता है, जितनी प्योर लव की एनर्जी हो सकती है, वो सब राधा रानी के अंदर है। तो वो किसी भी कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में, चाहे जैसी सिचुएशन हो, वो एकदम अनकंडीशनल लव परफेक्टली करती हैं माँ राधा रानी। और हर एक चीज को, मतलब लव को एकदम परफेक्टली उन्होंने समझा है, किया है। तो पहली बार जब मैं नहीं कर पाई और मुझे लगा कि यहाँ पे मैं सेल्फिश हो रही हूँ, यहाँ मैं अनकंडीशनल लव नहीं कर पा रही हूँ, यहाँ पे है मेरी डिजायर, यहाँ पे है मेरी एक्सपेक्टेशन, मैं नहीं कर सकती राधा रानी जैसा, तो उस वक्त मैंने सरेंडर कर दिया, पूरी तरीके से सरेंडर किया। और मैं समझ गई कि भाई राधा रानी कितनी ज्यादा महान थी, और अभी मुझे बहुत ज्यादा अनकंडीशनल लव या लव के बारे में और जानने की जरूरत है। तो उस वक्त से राधा रानी के लिए मेरा जो सम्मान था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, और एक प्रेयर मैं करने लग गई कि राधा रानी, अगर आप किसी भी कंडीशन में इतना प्रेम कर सकती हैं, तो अगर हम आपकी शरण में आ जाएं या मैं आपकी शरण में आ जाऊं, तो डेफिनेटली आप कितना प्यार करेंगी, क्योंकि प्यार का ही अवतार है, वो कितना प्यार करेंगी। उस वक्त से मेरा जो एक जो ध्यान था, एक जो प्यार पाने की इच्छा थी कहीं और से, वो सारी समाप्त हो गई और राधा रानी में जाके सिमट गई। और मैं ऐसा फील करने लगी कि जो लव राधे और कृष्णा कर सकते हैं हमसे, वो लव कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने करके दिखाया है, उन्होंने जो जेन्युइन लव होता है, और किसी भी सिचुएशन, कैसी भी सिचुएशन उनको दे दी गई, उन्होंने प्यार को नहीं छोड़ा और अनकंडीशनल लव को नहीं छोड़ा, अपनी सारी जरूरतों को साइड में रख दिया और फिर भी प्यार को जिंदा रखा। इस चीज पे मैं उनको बिल्कुल सलूट करती हूँ, और बहुत ज्यादा मेरे अंदर उनके लिए रिस्पेक्ट और प्यार वाली भावना जग गई, और मैं पूरी तरीके से सरेंडर हो गई। और जैसे ही मैं सरेंडर हुई, और जैसे ही मैंने राधा को सरेंडर किया, राधे नाम लेना शुरू किया, तो माँ राधा ने डेफिनेटली, मतलब मेरे अंदर वो एनर्जी डालना, सेल्फ लव की एनर्जी डालना, या जो जो मेरी इच्छाएं थी, या जहां जहां मैं इनकम्प्लीट महसूस कर रही थी, वो मेरी कम्प्लीट करना शुरू कर दी। मतलब उन्होंने सच में इतना ज्यादा प्यार दिखाया कि जहां जहां मेरे को फील हो रहा था वीक, जहां जहां मुझे लग रहा था कि मैं लैक की एनर्जी में हूं, जहां जहां मुझे लग रहा था कि अंदर से मैं असंतुष्ट हूं, मुझे किसी चीज की जरूरत है, मुझे इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है, या फिर मुझे लाइफ में डीएम की जरूरत है, या कोई भी जरूरत है, वो सारी जरूरतें फिनिश, वो सारी जरूरतें साइड हो गई। फील ही नहीं होता कि किसी चीज की जरूरत है, किसी चीज, कोई चीज का लैक ही महसूस नहीं होता, हर्ट में पेन ही नहीं होता। तो एक तरीके से जो उनका प्यार है वो मैंने महसूस किया और समझ गई कि भाई एक राधा रानी ही है जो हमें इतना प्यार कर सकती है, क्योंकि वो प्यार की मूर्त है साक्षात। तो इतना सब समझाने का मेरा मोटिव यही था कि अगर आप अपनी लाइफ में अनकंडीशनल लव नहीं कर पा रहे हैं, या सेल्फ लव नहीं कर पा रहे हैं, आपको नहीं पता है कि सेल्फ लव कैसे किया जाता है, या सेल्फ लव नहीं कर पा रहे हैं, तो आप राधा रानी की शरण लीजिए ना, उन्हें सरेंडर कीजिए, उनकी साधना करिए, या उनसे सपोर्ट मांगिए। अगर आप बहुत साधना नहीं भी कर सकते, तो उनसे सपोर्ट मांगिए अपनी इस जगह जहां पे आपको फील होता है कि लैक की एनर्जी है, जहां पे आपको फील होता है कि आप सेल्फ लव नहीं कर पा रहे हैं, उस जगह पे आप माँ राधा से ब्लेसिंग मांगिए, माँ राधा का नाम लीजिए, और उस जगह को सरेंडर कीजिए राधे माँ को, और अपने हर्ट के अंदर माँ राधे की एनर्जी को इनवाइट कीजिए। ट्रस्ट मी, आपके अंदर सेल्फ लव जो है वो बढ़ने लगेगा, लव को आप समझने लगेंगे, और वो अनकंडीशनल लव की जो स्टेट है, जिसको आप बहुत टाइम में सीखने वाले हैं, वो बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे। तो यही था मेरा आज का वीडियो, बस मैं आपको यही समझाना चाह रही थी। बाकी सारी चीजें भी करनी है जो कि मैंने आज बताया आपको, और साथ में अनकंडीशनल लव भी आपको राधे माँ से सीखने की जरूरत है। और अगर आपके अंदर लव बहुत सारा एफर्ट करने के बाद भी नहीं आ पा रहा है, तो राधे माँ की शरण लीजिए, राधे कृष्ण का जाप करिए, आपको डेफिनेटली ऐसा महसूस होगा कि आपके अंदर सेल्फ लव और अनकंडीशनल लव बढ़ रहा है। और डेफिनेटली उसका बेनिफिट तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आपका फटाफट से यूनियन हो जाएगा, लेकिन आप देख लेंगे खुद ही कि क्या हो जाएगा उसके बाद, क्योंकि ये इतना ज्यादा
प्योर इतना ज्यादा हाई वाइब्रेशनल होगा कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्या हो जाएगा, आप खुद एक्सपीरियंस कर लीजिए करके कि क्या हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।